Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know that from today we are going to start worksheet. So worksheet number 1 is about the rational numbers. Okay, rational number के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन ये क्या है कि rational number को आप number line पे कैसे represent करेंगे, how you are going to represent the number line, represent the rational numbers on number line. तो ये करने से पहले हम पहले basics समझ लेते हैं कि करना कैसे, उसके बाद कुछ questions इसमें से हम करेंगे आज. ओके चलिए. ओके लेट्स कंटिन्यू. रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. अब देखिए हमारे पास कितने तरीके की वैल्यूज़ हो सकती हैं, पहले हम ये देख लेते हैं. या तो आपके पास ऐसा होगा कि न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, या फिर वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो न्यूमरेटर जिसमें बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. अब रैशनल नंबर्स आपको पता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर q is not equals to 0, where q is not equals to 0. चलिए न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो, न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो, या फिर वैल्यूज़ हमें प्लस में दे रखी हैं या वैल्यूज़ हमें माइनस में दे रखी हैं, ये चार चीज़ें हमें देखनी है. तो हम पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रही हूँ. अब देखिए नंबर लाइन में आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स में कि वैल्यू यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कैसी होती हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड कैसी होती हैं, नेगेटिव. ज़ीरो के राइट हैंड साइड यहाँ पे वन है, तो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सी है, माइनस वन. तो वन इज़ करस्पॉन्डिंग टू माइनस वन, फिर टू माइनस टू, थ्री माइनस थ्री. तो अगर हम पॉजिटिव का निकालें तो हमें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली कि उतने ही डिस्टेंस पर नेगेटिव नंबर्स होंगे लेफ़्ट डायरेक्शन में. ओके चलिए अब एक एक करके पार्ट समझते हैं, सब क्लियर होगा. फिर फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं जहाँ पर क्या था कि न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दे रखा है 3/4, ठीक है. जब आपको क्या याद रखना है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वैल्यू हमेशा कहाँ लाई करेगी, 0 to 1 के बीच में. ये आपको याद रखना है. अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 0 point something ही आएगा. तो हमेशा जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, वेन एवर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, देन दैट वैल्यू विल लाई बिटवीन 0 and 1. अब देखिए हम ये सब क्यों कर रहे हैं. जैसे अगर मैं कह दूं कि 3 कहाँ लाई करेगा, तो आप नंबर लाइन पे आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहाँ लाई करेगा, 1, 2, 3, 4. 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3 आएगा. लेकिन रैशनल नंबर्स के उसमें हमें ये पता लगाना ज़रूरी है कि नंबर आखिर लाई कहाँ करेगा, ठीक है. तो ये तो क्लियर हो गया, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में. चलिए अब इसकी नंबर लाइन बना के देखते हैं. ये नंबर लाइन बन गई हमारी, ये 0 और यहाँ कहीं ले लेते हैं हम 1, क्योंकि हमें पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करेगी. अब ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट दे रखा होता है, उतने हिस्से में हम इस पोर्शन को डिवाइड करेंगे. 4 है, 1, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये आपको ध्यान रखना है. 3 फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. 0 से 1 तक हमारे 4 हिस्सों में ये डिवाइड हो गए. अब जो ऊपर वाली वैल्यू होती है यानी न्यूमरेटर, उतना डिस्टेंस हम आगे बढ़ते हैं, यानी हमें कितना आगे जाना है, 3, 1, 2, 3. तो यहाँ पर क्या होगा, 3/4. क्लियर है सबको, एक बार फिर से देख लेते हैं. जब भी आपकी वैल्यू न्यूमरेटर से छोटी होगी, जब भी आपकी वैल्यू न्यूमरेटर छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, वेन एवर न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यहाँ 3 यहाँ 4, तो 3 छोटा है 4 से, तो क्या होगा, हमेशा वो कहाँ लाई करेगी, 0 to 1 के बीच में ही लाई करेगा.
अब हमें ये देखना है जीरो से वन के बीच में कहाँ लाई करेगा, तो डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू दे रखी है पहले आप उतने पार्ट में डिवाइड कर लें, फिर ऊपर जो आपको वैल्यू दे रखी है उतना डिस्टेंस आगे बढ़ें, कहाँ से, ज़ीरो से, वन टू थ्री, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 3/4। अब यहीं पर आपको 3/4 की जगह अगर दे दिया जाता कि -3/4, ठीक है, तो ये तो दिख रहा है हमें, हम माइनस से हमें अभी कोई मतलब नहीं रहेगा जब हम सॉल्व करेंगे, तो 3/4 यानी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर से 0 1 के बीच में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा ये हमने देख लिया, तो उतने ही डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे इधर लगा देंगे, ये हो गए, हमने यहाँ पे कितने डिस्टेंस बनाए, थर्ड, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या लाई करेगा, 3/4, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये कौन सा डायरेक्शन है, 0 के लेफ्ट साइड, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, और कितने डिस्टेंस पर, 1 2 3, -3/4, क्लियर है सबको ये, चलिए लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, एग्जांपल ले लेते हैं हम एक 5/4, अब 4 नहीं ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 9 और यहाँ ले लेते हैं हम 5, न्यूमरेटर बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले इसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिक्स्ड में सबको कन्वर्ट करना आता होगा, ये हमने मिक्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, तो क्या हुआ ये 1 4/5, 1 होल 4/5, तो ये अगर नहीं आता है तो एक बार बता देते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डिवाइज़र, यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, कोशेंट, और यहाँ क्या लिखते हैं, रिमाइंडर, और अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लिया करें हमेशा, 5 1 5 5 + 4 9 9/5 आ रहा है, और 9/5 ही थी वैल्यू, इसका मतलब सही किया है। अब इससे आपको आसानी रहेगी क्या निकालने में, कि नंबर कहाँ लाई करेगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड करें और कितना आगे बढ़ें, तो देखिए ध्यान से, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे जो भी टर्म आएगी आपकी 2 3 जो भी है, तो उससे जस्ट आगे वाला नंबर, उन दो, इसके और उसके बीच में ये नंबर लाई करेगा, क्या मतलब है इसका, कि जैसे यहाँ पे क्या है 1 1 के बाद क्या आता है 2, यानी ये वैल्यू 9/5 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है, सपोज़ आपके पास अगर एग्ज़ाम ये निकल के आया होता 2 होल 4/5, तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 2, तो ये वाली वैल्यू कहाँ लाई करेगी 2 और 2 के बाद क्या आता है 3, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, इससे बहुत इजी हो जाएगा ये पता करना कि नंबर कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया कि इसका मिक्स में आया 1 होल 4/5 और ये कहाँ लाई करेगा 1 से 2 के बीच में, अब नंबर लाइन देखते हैं बना करके, ज़ीरो 1 और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 2, सबका डिस्टेंस हमें इक्वल दिखाना है, पहले हम 1 2 बना लेते हैं, हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कितने पार्ट में हमें डिवाइड करना है 5, तो यहाँ पे भी आप देखें तो नीचे क्या आया है 5, अब हमें इससे मतलब नहीं, हम इसके थ्रू निकालेंगे कि हमें कहाँ पर नंबर बनाना है, ठीक है, यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर में 5, तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसे 5, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में डिवाइड होने के 1 2 3 4 5, फिर आएगा यहाँ पर कौन सी वैल्यू 2, ठीक है, तो इतने ही डिस्टेंस पे कहीं हम 0 बना लेते हैं। चलिए अब ये हो गया 1 से लेकर के 2 के बीच में लाई करेगा, ये हमें पता चल गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड होना है ये हमें पता चल गया, अब क्या बचा 4, तो यानी 1 2 3 4th, ये 4th वाले हिस्से पर यहाँ पर क्या आएगा 9/5, क्लियर है। एक बार फिर से देखते हैं, जब भी न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से आप क्या करेंगे, सबसे पहले जल्दी से, ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होंगे जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, 9/5 जैसे ही, तो आपने फ़ौरन किस में कन्वर्ट किया, मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, बहुत इजीली कन्वर्ट हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे जो नंबर आएगा होल वाले पार्ट में, उस नंबर और उसके जस्ट आगे वाले नंबर के बीच में वो नंबर लाई करेगा, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है,
तो 1 और 2 के बीच में क्या नंबर लाई करने वाला है, 9/5। अब सेम वही प्रोसेस है जो हमने इससे पहले फॉलो किया था, जो डिनोमिनेटर में था, जो यहाँ पर था, हमने उतने हिस्से में से डिवाइड किया क्योंकि हमें पता चल गया 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, और ऊपर क्या था 4, तो हमने फोर्थ वाले यहाँ से निकाला फोर्थ डिस्टेंस 1, 2, 3, 4th, तो फोर्थ वाले पार्ट पर ये नंबर लाई कर गया। ओके चलिए अब एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं किसके, वर्कशीट के। अब देखिए वर्कशीट में आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है 7/4, तो आप यहाँ पे बनाएंगे लेकिन आप क्या यूज़ करेंगे, पेंसिल यूज़ करेंगे, नो वन विल यूज़ पेन। ओके यूज़ योर पेंसिल एंड स्केल। चलिए मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊँ कर क्या है वैल्यू 7/4। तो सबसे पहले आपका क्या काम है ये देखना है कि क्या वैल्यू न्यूमरेटर की बड़ी है। न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी ये दूसरी वाली कंडीशन है जहाँ पे आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इससे पहले, मिक्स्ड में। तो 7/4 को हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपका यहाँ पे क्या आना है कोशेंट, यहाँ पे क्या आना है आपका रिमाइंडर, और यहाँ पे क्या आना है आपका डिवाइज़र। कन्फ्यूजन है तो जल्दी से एक बार वापस से कर 4 1 4 4 + 3 7 7/4, तो 7/4 ही था, इसका मतलब सही कन्वर्ट किया है। ओके अब यहाँ पे क्या है 1, और 1 के आगे क्या आता है 2, यानी 1 और 2 के बीच में ये लाई करेगा ये नंबर। अब जल्दी से हम नंबर लाइन बना लेंगे, कितने पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पार्ट में, 1 2 3 4, कर लिया डिवाइड, ये फोर्थ पार्ट में डिवाइड हो गया, तब जाकर यहाँ पर क्या आएगा 2। ठीक है 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, अब कितने हिस्से हमें आगे बढ़ने हैं 3 1 2 3, तो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर लाई कर गया 7/4। बहुत इजी है अगर आप इसे अपने प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे। एक पार्ट और देख लेते हैं फिर उसके बाद पार्ट्स आप करेंगे खुद। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट कौन सा है 3/5, चलिए 3/5 लेते हैं, क्या वैल्यू लेनी है हमें 3/5। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो वैल्यू कैसी है न्यूमरेटर की, छोटी है डिनोमिनेटर से, तो हमें पहले से ही पता है जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो वो कहाँ लाई करेगा 0 to 1 के बीच में। तो जल्दी से नंबर लाइन बनाई, यहाँ 0 दिखाया, अब हमें सब क्या देखना है कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम इसे, डिनोमिनेटर में क्या है 5, तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये हमने 5 हिस्से में डिवाइड कर लिया, देखिए 1 2 3 4 5। अब ऊपर देखा हमने क्या है 3, यानी हमें 0 से कितना आगे बढ़ना है 3 1 2 3, पहुँच गए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3/5। ओके अब आप अभी मुझे ये वाला पार्ट हो गया 7/4 हो गया, 3/5 हो गया, माइनस वाले अभी छोड़ देते हैं कल देखेंगे, और 4/9, टाइम ज़्यादा नहीं है तो आप लोग जो 4/9 ये वाला पार्ट करके दिखाइए, फिर हम ये और ये कल करेंगे इंशाल्लाह। चलिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।